ये उन दिनों की बात है जब नेटफ्लिक्स किराए पर डीवीडी दिया करता था और आज की तरह फिल्में स्ट्रीम नहीं करता था। अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना तो दूर की बात है। तब नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पर जाकर लोग डीवीडी ऑर्डर किया करते थे और नेटफ्लिक्स उन्हें ग्राहकों तक डाक से भेजता था। 90 के दशक में जब इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी, नेटफ्लिक्स लंबे समय से घाटे में चल रहा था। उनके शुरुआती दौर में उन्हें अमेज़न ने खरीदने का ऑफर भी दिया था, लेकिन नेटफ्लिक्स ने उसे ठुकरा दिया था। लगातार घाटे में जा रहे नेटफ्लिक्स के पास अब एक ही उम्मीद बची थी कि ब्लॉकबस्टर नाम की डीवीडी रेंटल कंपनी उन्हें खरीद ले। ब्लॉकबस्टर के स्टोर्स अमेरिका भर में थे, जहां लोग खुद जाकर डीवीडी किराए पर ले सकते थे। नेटफ्लिक्स के फाउंडर्स मार्क रैंडोल्फ और रीड हेस्टिंग्स और उनके CFO बैरी मैकार्थी कई दिनों से इस जुगाड़ में लगे थे कि ब्लॉकबस्टर के मालिकों के साथ एक मुलाकात मिल जाए, महज एक। अचानक एक रात उन्हें संदेश मिलता है कि ब्लॉकबस्टर वाले उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है, मीटिंग अगली सुबह डैलस में रखी जाएगी। अब नेटफ्लिक्स के पास 12 घंटे से भी कम वक्त था और रैंडोल्फ हेस्टिंग्स और मैकार्थी बैठे थे वहां से ठीक 12 घंटे दूर कैलिफोर्निया में। मगर ये मौका दोबारा नहीं आने वाला था। तीनों ने अपने पास बचे पैसों को चार्टर्ड प्लेन में लगा दिया और अगली सुबह ब्लॉकबस्टर के दफ्तर पहुंच चुके थे। उस दिन जो मीटिंग हुई वो नेटफ्लिक्स के लिए एक हास्यास्पद दिन और ब्लॉकबस्टर के लिए उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती बन गई। हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी का खास शो बिग बिजनेस मिस्टेक्स। यहाँ मैं आपको सुनाती हूँ बड़ी बड़ी कंपनियों की उन बड़ी बड़ी गलतियों की जिससे वे कभी उबर नहीं पाए। ये गलतियां न सिर्फ उनके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, तमाम स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए एक सबक बन गई। आज आप सुन रहे हैं कहानी नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर के बीच की उस डील की जो कभी नहीं हुई। समय के साथ नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे मशहूर और बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और एक ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूसर बन गया, वहीं ब्लॉकबस्टर दिवालिया हो गया। लेकिन पहले जान लीजिए इन दोनों कंपनियों का इतिहास, जिससे इस डील का कॉन्टेक्स्ट आप ठीक से समझ सके। नेटफ्लिक्स की शुरुआत 1997 में मार्क रैंडोल्फ और रीड हेस्टिंग्स ने की थी। दोनों साथ कारपूलिंग कर ऑफिस जाया करते थे। रैंडोल्फ को अमेज़न ने बहुत प्रभावित किया था और उनका मानना था कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को इंटरनेट पर बेचा जाना चाहिए। ये वो दौर था जो वीडियो कैसेट का था, मगर रैंडोल्फ और हेस्टिंग्स ने पाया कि वीडियो टेप्स को स्टोर करना और डाक से भेजना बहुत बारीक और महंगा काम है। वहीं 1997 में मार्केट में शुरुआती डीवीडी आने लगी थी। दोनों ने तय किया कि डीवीडी का ही कारोबार करेंगे। अंततः नेटफ्लिक्स को एक डीवीडी सेल और रेंटल वेबसाइट के तौर पर लॉन्च किया गया। इसके नाम में नेट का अर्थ था इंटरनेट और फ्लिक्स आया था फ्लिक शब्द से, जो फिल्म के लिए इस्तेमाल होता है। नेटफ्लिक्स के यूजर उनकी वेबसाइट पर जाकर फिल्में सर्च करते थे। अपने मन की फिल्म सेलेक्ट करने के बाद वो उसका ऑर्डर प्लेस करते थे। उन्हें डाक से फिल्म की डीवीडी मिल जाती थी। नेटफ्लिक्स डीवीडी के साथ एक और लिफाफा भेजता था जिसमें डीवीडी डालकर लोग उसे वापस पोस्ट कर देते थे। ये आइडिया नया था और लोगों को खूब पसंद भी आया, क्योंकि सबके घर के पास ऐसी दुकानें नहीं होती थी जहां जाकर वो डीवीडी किराए पर ले सके। नेटफ्लिक्स की डीवीडी का किराया $4 था और $2 डाक के लिए देने होते थे। उस वक्त ब्लॉकबस्टर पहले से ही टेप्स और डीवीडी किराए पर देने का काम कर रहा था। हालांकि वो ऐसा ऑनलाइन नहीं बल्कि फिजिकल स्टोर्स के जरिए करता था, लेकिन ब्लॉकबस्टर ने ग्राहकों के लिए लेट फीस लगा रखी थी, जो ग्राहकों की ब्लॉकबस्टर से इकलौती शिकायत थी। जब नेटफ्लिक्स के ग्राहक बढ़ने लगे, वे सब्सक्राइबर मॉडल पर शिफ्ट हो गए। सब्सक्राइबर जितने दिन चाहें एक डीवीडी रख सकते थे और जब नई डीवीडी लेना चाहें तो पिछली वापस कर नई मंगवा सकते थे। इस मॉडल के आने से ग्राहक हर तरह के शिपिंग चार्ज, लेट फीस और प्रति डीवीडी फीस से बच सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि नेटफ्लिक्स के शुरुआती दिनों में ही उन्हें अमेज़न ने लगभग $1.5 करोड़ में एक्वायर करने का ऑफर दिया। रैंडोल्फ को लग रहा था कि अगर अमेज़न खुद डीवीडी मार्केट में आ गया तो नेटफ्लिक्स को खतरा हो सकता है, इसलिए इसे बेच देना चाहिए। लेकिन हेस्टिंग्स को यकीन था कि उन्हें अंडरवैल्यू किया जा रहा है। चूंकि हेस्टिंग्स के पास 70% ओनरशिप थी, उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया और डील नहीं हुई। नेटफ्लिक्स का आइडिया दमदार था, लेकिन डीवीडी रेंटल के मार्केट में ब्लॉकबस्टर का पूरा कंट्रोल था। साल 2000 तक आते आते इंटरनेट बूम अमेरिका में आ चुका था और तमाम वेबसाइट बनने लगी थी। इस दौर को .com का दौर कहा जा रहा था, लेकिन नेटफ्लिक्स खुद को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये वही दौर था जब रैंडोल्फ और हेस्टिंग्स दोनों इस बात पर सहमत हुए कि उन्हें नेटफ्लिक्स को ब्लॉकबस्टर को बेच देना चाहिए। ब्लॉकबस्टर के सामने नेटफ्लिक्स बच्चा था, क्योंकि डेविड कुक नाम के व्यापारी ने ब्लॉकबस्टर की शुरुआत 1985 में ही कर दी थी, एक VHS यानी वीडियो टेप रेंटिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर। 1987 में इसे वेन हुइजंगा नाम के एक बड़े अमेरिकी इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक्वायर कर लिया और धड़ाधड़ एक्सपैंड करने लगे। जब डीवीडी आने लगी तो ब्लॉकबस्टर का बिजनेस और भी झमाझम चलने लगा।
पूरे 90 के दशक में ब्लॉकबस्टर ने अपने बिजनेस को बढ़ाने और सभी कंपेटिटर्स को एक्वायर करने पर फोकस किया। जिस वक्त नेटफ्लिक्स अपनी गुहार लेकर ब्लॉकबस्टर के पास पहुंचा था, ब्लॉकबस्टर के सिर्फ अमेरिका भर में 5,000 से ज्यादा स्टोर्स थे। $20,000 लगाकर जब रैंडॉल्फ हेस्टिंग्स और मैकार्थी ब्लॉकबस्टर के दफ्तर पहुंचे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। चमचमाती बिल्डिंग में स्टील की फिटिंग्स और कांच की दीवारें थी। अपनी किताब दैट विल नेवर वर्क में रैंडॉल्फ लिखते हैं, मेरी कार से महंगे उनके जूते थे, जिनके जूतों को देखकर आप कहते इसमें मेरा घर जाएगा। वो थे ब्लॉकबस्टर के सीईओ जॉन एंटियोको के। एंटियोको ने अपने हिस्से की दौलत खुद ही कमाई थी। उन्होंने 2 साल पहले ही ब्लॉकबस्टर के सीईओ के तौर पर ज्वाइन किया था और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। मार्क रैंडॉल्फ और रीड हेस्टिंग्स इस मुलाकात का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने एंटियोको से कहा कि ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स अगर हाथ मिला ले तो ब्लॉकबस्टर को एक ऑनलाइन बिजनेस मिलेगा। रैंडॉल्फ ने एंटियोको से कहा, नेटफ्लिक्स की टीम अगर ऑनलाइन कारोबार संभाले और आप पहले की तरह ऑफलाइन स्टोर्स पर फोकस करते रहें तो हम मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। एंटियोको ने जवाब दिया, इस .com की दीवानगी में कुछ नहीं रखा। इससे पहले कि नेटफ्लिक्स की टीम कुछ बोल पाती, एंटियोको के सलाहकार एडस्टेड ने कहा, नेटफ्लिक्स हो या दुनिया का कोई भी और ऑनलाइन बिजनेस, ये 4 दिन की चांदनी है, ये सब खत्म हो जाएंगे। थोड़ी बहस के बाद स्टेड ने अंततः नेटफ्लिक्स से उनके दाम पूछे। $5 करोड़, हेस्टिंग्स ने जवाब दिया। मार्क रैंडॉल्फ लिखते हैं कि ये संख्या सुनते ही एंटियोको के चेहरे के भाव बदल गए। वो असल में अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसा बिजनेस जिसका मरना तय है, उसके लिए कोई $5 करोड़ क्यों देगा। मीटिंग खत्म हुई और डील हवा में उड़ गई, साथ ही रैंडॉल्फ और हेस्टिंग्स का आत्मविश्वास भी। लेकिन ऐसा नहीं था कि नेटफ्लिक्स के लिए सब कुछ खत्म हो गया था। मार्क रैंडॉल्फ और रीड हेस्टिंग्स को अपने आइडिया पर भरोसा था, और सबसे ज्यादा भरोसा इस बात पर था कि वर्तमान चाहे जैसा हो, भविष्य के हिसाब से वो सही चल रहे हैं। रेंटल मॉडल हटाने और सब्सक्रिप्शन लाने के बाद नेटफ्लिक्स धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा था। साल 2002 में नेटफ्लिक्स का IPO आया, लेकिन इस साल भी नेटफ्लिक्स नुकसान में ही चल रही थी। लेकिन नेटफ्लिक्स ने यूजर एक्सपीरियंस पर काम करना शुरू कर दिया था। नेटफ्लिक्स लोगों से मूवी टाइटल्स की रेटिंग करवाता, उसी आधार पर इनका एल्गोरिदम लोगों को उनकी रेंटल हिस्ट्री के हिसाब से सजेशन देने लगा था। लोग अपनी क्यू भी बना सकते थे कि अगली DVD उन्हें कौन सी ऑर्डर करनी है, ठीक उसी तरह जिस तरह आज हमारी वॉचलिस्ट होती है। वो साल 2006 था जब पहली बार नेटफ्लिक्स प्रॉफिटेबल हुआ। जहां ट्रेडिशनल TV अपनी सफलता को ऐसे मापता था कि किस शो को कितने लोगों ने देखा, लेकिन नेटफ्लिक्स ठीक इसका उलट करता था। वो ये देखता था कि एक सब्सक्राइबर उनके पोर्टल पर कितने टाइटल्स देख रहा है। उनका यही फंडा उनकी ग्रोथ की नींव बना। साल 2007 में नेटफ्लिक्स ने सबसे बड़ा कदम उठाया, वो था स्ट्रीमिंग शुरू करना। एक ऐसे दौर में जब फाइनली नेटफ्लिक्स का DVD बिजनेस चल निकला था, उनके इस फैसले ने इंडस्ट्री को चौंका दिया। ये कदम आश्चर्यजनक इसलिए भी था क्योंकि इंटरनेट इतनी अच्छी स्ट्रीमिंग स्पीड देता ही नहीं था कि आप अच्छी क्वालिटी में वीडियो देख सकें। DVD पर दिखने वाली क्वालिटी कहीं बेहतर होती थी। लेकिन नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग की दिशा में ही इन्वेस्ट करता रहा। इंटरनेट एक्सप्लोरर में लोग नेटफ्लिक्स खोलकर उनके वॉच नाउ फीचर का इस्तेमाल कर सकते थे। वक्त के साथ स्ट्रीमिंग में मिली सक्सेस के बाद 2013 में नेटफ्लिक्स ओरिजिनल प्रोग्रामिंग की दुनिया में उतरा हाउस ऑफ कार्ड्स के साथ। शो को क्रिटिक्स ने भी उतना ही पसंद किया जितना फैंस ने, और ओरिजिनल कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइबर्स की झड़ी लग गई। 2015 में पहली फीचर फिल्म बीस्ट ऑफ नो नेशन बनाकर नेटफ्लिक्स ने हॉलीवुड की मल्टीप्लेक्स वाली दुनिया से सीधी दुश्मनी कर ली। और 2017 आते आते नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स की संख्या अमेरिका में केबल TV देखने वालों की संख्या से भी ज्यादा हो गई। और ब्लॉकबस्टर, उसका क्या हुआ? साल 2005 में कंपनी के फाइनेंसर कार्ल इकान ने आरोप लगाए कि ब्लॉकबस्टर CEO जॉन एंटियोको को हद से ज्यादा सैलरी दे रहा है। ये वही एंटियोको थे जिन्होंने नेटफ्लिक्स की डील को हंसी में उड़ाया था। बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए एंटियोको अंततः इंटरनेट की दुनिया में उतर रहे थे। साथ ही लेट फीस को भी उन्होंने हटा दिया था, लेकिन कार्ल इकान और अन्य बोर्ड मेंबरान को ये फैसले नहीं भाए। इधर बीच नेटफ्लिक्स के हेस्टिंग्स एक बार फिर ब्लॉकबस्टर के पास गए, लेकिन इस बार वो बिकने नहीं खरीदने के ऑफर के साथ गए थे। हेस्टिंग्स ने ब्लॉकबस्टर से कहा कि वे अपना ऑनलाइन बिजनेस नेटफ्लिक्स को बेच दें। इसी बीच तमाम अंदरूनी विवादों के चलते एंटियोको ने ब्लॉकबस्टर से इस्तीफा दे दिया, और नए CEO जेम्स कीज ने एक बार फिर नेटफ्लिक्स का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। तमाम पैतरों के बाद भी ब्लॉकबस्टर की हालत और बिगड़ती गई, और अंततः 2010 में कंपनी दिवालिया हो गई। अगर उस मीटिंग के दौरान एंटियोको नेटफ्लिक्स को सीरियसली लेते तो शायद आने वाले कुछ सालों में हालात कुछ और होते। लेकिन इस डील को शायद नहीं होना था, ताकि भविष्य के स्टार्टअप्स को यह सबक मिल सके कि बदलती टेक्नोलॉजी के साथ बदलना, भविष्य के बारे में सोचना और कंपेटिटर को छोटा ना समझना कितना जरूरी है।
आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी सीरीज बिग बिजनेस मिस्टेक्स में हम आगे लेकर आएंगे ऐसी ही और कहानियां। आप बने रहें योर स्टोरी हिंदी के साथ। मेरा नाम प्रतीक्षा है, कैमरे के पीछे है मनोज। शुक्रिया।